कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लगातार अपडेट्स आती रहती है और अपडेट्स के बाद में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो आना आम बात है। अभी कुछ यूजर्स को अपग्रेड्स मिली है स्मार्टफोन में और वो बता रहे हैं कि उनको स्मार्टफोन में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो बड़ी कॉमन सी होती है, जैसे कि स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होना, फ़ोन का स्लो चार्ज होना, फ़ोन का लेग करना या फिर ऐप वगैरह क्रैश होना। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके फ़ोन में जो ऐप वगैरह क्रैश हो रहे हैं वो कोई एक दो ऐप के साथ हो रहा है या सभी के साथ में हो रहा है। अगर एक दो ऐप के साथ हो रहा है तो आप उनको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का शायद सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ कॉमन सी चीज़ है, अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपके फ़ोन में अगर रिमूवल बैटरी है तो बैटरी को रिमूव करके अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए। अगर रिमूवल बैटरी नहीं है फिर भी एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए, आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। लेकिन तीसरा जो सोल्यूशन है वो अपने जो स्मार्टफोन के ब्रांड्स है वो हमें देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जब भी आपके स्मार्टफोन में कोई एंड्रॉयड की अपडेट आती है तो आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री डाटा सेटिंग्स पर ज़रूर रीसेट कीजिए। फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट करने का ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाके आप उसको रीसेट कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि यार हमें अपने स्मार्टफोन में छोटी मोटी अपग्रेड्स मिलती रहती है तो ऐसे में हर बार फ़ोन को रीसेट करना आसान नहीं होता, तो पूरे डाटा का बैकअप लेना होता है, इधर से उधर करना पड़ता है पूरा डाटा। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपको कोई छोटी अपग्रेड मिली है तो उसके बाद में आपके स्मार्टफोन में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या। अगर प्रॉब्लम हो रही है तभी उसको रीसेट कीजिए, वरना ना कीजिए। और अगर आपको कोई बड़ी अपग्रेड मिली है किसी एंड्रॉयड के नए वर्जन की या नया यूआई मिला है आपको, तो एक बार ज़रूर अपने स्मार्टफोन को रीसेट कर लीजिए, आपके जो स्मार्टफोन छोटे मोटे बग्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने फ़ोन को रीसेट भी कर लिया फिर भी सोल्यूशन नहीं मिला है, तो अब आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि आपके स्मार्टफोन में जो प्रॉब्लम आ रही है वही सेम प्रॉब्लम आपके स्मार्टफोन के जैसे जो और स्मार्टफोन है जिनको अपग्रेड मिली है उनमें भी आ रही है। और यूजर्स से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पता कीजिए कि आपके स्मार्टफोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि अपडेट के बाद में। अगर वहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, अब जो करेगा आपका स्मार्टफोन का ब्रांड करेगा, क्योंकि अपडेट्स के बाद में ये छोटी मोटी बग्स है वो रह जाती है स्मार्टफोन में, जो फर्मवेयर नया देते हैं उनमें। तो कंपनी क्या करती है, और अपडेट्स देकर उनको सुधार देती है। जैसे कि अभी रिसेंटली S7 के साथ में हुआ था, S7 में एंड्रॉयड नोगट की अपडेट आई थी, लेकिन उसके बाद में वो फ़ोन लेगी हो गया था, बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। तो सैमसंग ने उसके बाद में और छोटी मोटी दो चार और अपडेट्स दी और उस प्रॉब्लम का पूरी तरह से समाधान कर दिया, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि वेट करना है और अपडेट्स का। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके स्मार्टफोन में आ रही है और किसी स्मार्टफोन में नहीं आ रही है तो आप सिर्फ एक दो अपडेट्स का वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप सर्विस सेंटर पर जाइए और वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए कि हमारे स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड के अपडेट्स के बारे में और टेक वर्ल्ड के बारे में आपको हर रोज़ नई वीडियोज़ मिलती रहेगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे।